कि नीतीश कुमार जी के सर पर अहंकार सवार हो गई बा। अब वो 122 गो में से 22 गो सीट नीतीश कुमार जी के मुश्किल हो जाए जीतल। लोजपा के जितना भी कैंडिडेट खड़ा बाड़े सब कोई बीजेपी से गइल कैंडिडेट बा। जनता के आवाज सरकार के सामने उठावे वाला विधायक होके की चाहिए, मौनी बाबा ना होके की चाहिए। मैच बॉक्स प्रेजेंट्स के बैठी कुर्सी पर। नमस्कार प्रणाम गोल लगा तनी, हम है राजा रुआ देखा तनी मैच बॉक्स। मैच बॉक्स के जो खास मुहिम बा के बैठी कुर्सी पर, एक कार्यक्रम के अंतर्गत लगातार मैच बॉक्स की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग करती है, साथे साथे नेताजी लोग के इंटरव्यू भी होता है। इस संदर्भ में मैच बॉक्स की टीम आज भगवानपुर हाट बाजार पहुँचल है, जहाँ एगो नेताजी से मुलाकात भैल। तो मैच बॉक्स की टीम वहाँ से जाने के कोशिश कल कि आखिर का बा आई, हम वहाँ से रोक परिचय कराओ तनी। वहाँ के हैं डॉक्टर देवरंजन सिंह, पूर्व विधायक रहल बानी, पहले रोक जान तनी, वर्तमान एलजेपी के यहाँ के कैंडिडेट भी बानी। बहुत बहुत स्वागत बन नेताजी राउर मैच बॉक्स के चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद बार हुआ के। देखिए हमारा सीधा सवाल होला, साफ सवाल होला, रउआ के एजा के लोग महाराजगंज के जनता वोट काहे दी? तो जनता से पूछे के चाहिए सवाल रउआ कि काहे वोट दउआ देव हमरा के। ना भी रउआ बताए ना ना, हम तो जनता से वोट मांगत तनी। रउआ सीधा पूछत नहीं, ऐसे हम सीधा जवाब देते नहीं। कुछ उपलब्धि हुई न रउआ? जो सवाल पूछनी है कि जनता काहे वोट दी, ये बात जनता से पूछे के चाहिए, काहे हमरा के वोट दी? हम तो मांगे वाला है बानी, हम मांगो तनी, भिक्षा मांगो तनी, लोग दी तो लोग से पूछी जे काहे देता। चलिए रउआ के जनता वोटो दी, रउआ जितबो करें, लेकिन मैनिफेस्टो का महाराजगंज खातिर? एगो तो मैनिफेस्टो हम अपन छपवा के सब लोग के बीच में बाँटत भी बानी, ओकरा के देखे के चाहिए। लेकिन संक्षेप में रउआ चैनल के हम बतावे के चाहतनी कि हमार पार्टी बिहार में बदलाव चाहता। वर्तमान मुख्यमंत्री जी 15 साल मुख्यमंत्री रह चुकल बानी, अब वहाँ के आराम करे के समय बा। अब थोड़ा नया आदमी के आवे दी, नया काम करे दी, थोड़ा आगे बढ़ावे दी। बिहार के विकास खातिर बदलाव जरूरी बा, नंबर एक बात। नंबर दो बात कि जनता के आवाज़ सरकार के सामने उठावे वाला विधायक होके की चाहिए, मौनी बाबा ना होके की चाहिए। तो जनता के आवाज़ उहे उठा सकता जे जनता से जुड़ल होके और जेकरा में विद्वता होके, जे कुछ जानते ना रही वो बोली का, तो जेकर चरित्र बढ़िया होके, जे बोले के जानत होके, पढ़ाई लिखाई जानत होके, समझत होके और जनता से सीधा ओकरा संपर्क रहे, वो लोग जनता के आवाज़ उठाई। जैसे किसान के समस्या, गरीब के समस्या, वृद्धा पेंशन के समस्या, राशन कार्ड के समस्या, बिजली बिल गलत आवे के समस्या, बिजली 24 घंटा में 2 घंटा 4 घंटा रहता, ये समस्या, ये सब समस्या के हम उठाए और महाराजगंज के जिला बनावे के मांग भी हम पुरजोर तरीका से उठाए। एगो प्रश्न, हम महाराजगंज विधानसभा जब लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी है तो एगो सड़क मिलल हमारा महाराजगंज मेन बाजार में, उसी और चौक या राजेंद्र चौक का नाम रहा, वजह से वो सड़क लंबाई लगभग थाना के आसपास बतावल जाता लो। वो सड़क पर 3 आदमी शिलान्यास कैले बा, यहाँ तक कि जाना पार्टी में रहनी बीजेपी में ओकर सांसद भी कैले बानी, जदयू के वर्तमान विधायक भी कैले बानी आ नगर परिषद भी ओमे काम भइल बा। तो एगो सड़क के 3 आदमी शिलान्यास कैलस, इमें कहाँ तक सच्चाई बा? इमें कहीं गपला तो नहीं खेल, कहीं गोलमाल नहीं खेलू? ना ना, ये तो साफ साफ बात बा। एपर दूगो बात ध्यान दी, एगो कि 5 साल वो लोग का फुर्सत ना मिले लो सड़क बनावे के विधायक जी का, अंतिम साल में खाली बोर्ड लगावे के फुर्सत वहाँ के लगे पूरा बा, हर जगह बोर्ड लागल बा, रोड नहीं खे। अभी पब्लिक लोग से भी रुआ पूछ सको तनी कि बोर्ड लगावे खातिर वहाँ का आखिरी में चुनाव के 15 दिन 20 दिन पहले टाइम मिल गई हो, सड़क कहीं नहीं खे बनल, कहीं कोनो योजना पर काम नहीं खे भइल। वहीं गनी महाराजगंज के जो मेन रोड बा ओकरा खातिर भी वहाँ के 5 बरिस विधायक जी के टाइम ना मिलल हो। अब हवर 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 सब कोई अपन बोर्ड लगावता, काम के ठिकाने नहीं खे या नाम खातिर वो लोग बेचैन भइल बा। अरे बनवा ली तो बनवा के अपन बोर्ड लगवा तो एगो शोभा दी, तो अब उमे का हम कहीं जहाँ झूठे के ही लोग बाजार खोल ले बा, तहाँ का बात कहल जा। तो हमें तो केंद्र में राहुल पार्टी के साथ लोजपा भाजपा गठबंधन बा, राज्य में भाजपा जदयू गठबंधन बा, तो ये में तो 3-4 आदमी आता घेरा में, कहीं नेताजी घेरा में नहीं नू? देखी होला कहा कि टंकी में पानी भरल बा,
आ टंकी से पानी पाइप के द्वारा हेजा हमरा घरे आवता, बाकी रास्ता में पाइप फूटल रही तो पानी हेजा ना आई। नरेंद्र मोदी जी टंकी हई, टंकी से तो पानी छोड़ाता, बाकी रेजा पहुँचे में गड़बड़ा जाता। जो छेद वाला जो नेताजी लोग बालो, जेकरा खाली है कमीशन के चिंता बा, केवल घुसखोरी के चक्कर में, केवल कमीशन के चक्कर में महाराजगंज की जो मेन रोड, महाराजगंज के जो मेन रोड नहीं बनल, केवल ये चक्कर में कि हमारा ठेकेदारी मिल जाओ, हमारा समधी के ठेकेदारी मिल जाओ, हमारा बेटा के ठेकेदारी मिल जाओ, एकरे खातिर तीन बेर ओकर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भइल बा। केवल एमे ये चक्कर बा, मैंने में जहाँ तक बा कॉन्ट्रैक्टर के चक्कर में कैंसिल भइल बा। एगो प्रश्न और बहुत साफ, जब ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान पता चलल हँ कि बिहार में बीजेपी आ जदयू गठबंधन बा, लोजपा नहीं खे, जबकि रोबा लोजपा के कैंडिडेट बानी, लेकिन और वोट वोटर भी और सपोर्ट बीजेपी करती है, ऐसा कहें। अब यही से समझ ली कि का मैंने एक मतलब भइल, लोजपा के जितना भी कैंडिडेट खड़ा बाड़े सब कोई बीजेपी से गइल कैंडिडेट बा, बीजेपी से आके लोजपा के सिंबल पर हमने के बोलावल गए हुए कहीं लोगिन रोबा लोगिन के सीट जदयू में चल गई तो रुआ लोगिन आई लोगिन रुआ लोगिन लोजपा के सीट पर लड़िन लोगिन। बीजेपी के जितना भी मजबूत उम्मीदवार रहले सब कोई लोजपा के टिकट पर लड़ता, और एकर नतीजा का हुई से रुआ चैनल पर हम आज बताओ तनी कि 122 गो सीट पर नीतीश कुमार जी लड़ता रहन चुनाव, ओमे हर सीट पर लोजपा के उम्मीदवार खड़ा बा, और लोजपा के पीछे भाजपा के वोटर आ भाजपा के सपोर्टर आ भाजपा के वर्कर खड़ा बा। अब वो 122 गो में से 22 गो सीट नीतीश कुमार जी के मुश्किल हो जाए जीतल, नीतीश कुमार जी सत्ता से आउट, अब उनका कोनो गुजारा नहीं खे, अगला सरकार भाजपा आ लोजपा के बनी, भाजपा लोजपा के अगर सरकार बनते तो मुख्यमंत्री के करके देखते नहीं। तो मोदी जी डिसाइड करे, बड़का लोग डिसाइड करी, हमनी के सब डिसाइड नहीं करे के, जे भी जेकरा के भी मोदी जी ए बी सी डी जेकरा के कह देव ओकरे सपोर्ट में हमनी का रहे सर। तो वह भाजपा लोजपा के बात करते हैं, तो भाजपा जदयू के गठबंधन तोड़ ना देवे के चाहिए, जब भाजपा के हर मंच पर लोजपा के झंडा लौकता, जदयू के लौकता, लेकिन जदयू के कुछ कार्यक्रम हम लगभग आठों विधानसभा में देखो तनी, कहीं जदयू के कार्यक्रम में ना भाजपा के एगो नेता रहता रहन, कहीं कहीं झंडा लौकता उन्हें पीछे कोना में टांगन रहता, लेकिन तोड़ ना देवे के चाही। अब एक तो हम एक गो जवाब रुआ के देव, बहुत ठोस जवाब दे, बांधल जवाब देव कि भाजपा के जे टॉप के नेता लोग बा लोग, वो बहुत दिमाग वाला लोग बा लोग, वो आज से आगे 10 बरिस आगे का होई ओकरा के सोच के आगे के तैयारी करता लोग, बस इतने भर रह दी जोन आगे होई तो आगे देखे रुआ कि का होई केंग नहीं। जब पर्दा उठी, नाटक में पर्दा उठेला नू, तो पर्दा जब उठी तब देखे जो कौन कौन रूप में लोग आवता, इतने रुआ अभी जान ली कि नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री ना बनी हैं, मुख्यमंत्री केहू भाजपा के आदमी बनी, बस अभी इतने बात जान ले। एगो बात बुरा मत माने, एगो बात बुरा मत माने, जे भी बनू आज तक जे भी आयल महाराजगंज में, महाराजगंज के देख के लगा था कि बहुत दिन से जिला के मांग चलता, तो हर केहू ये मुद्दा पर जनता के गुमराह कैले बा, एजा तक कि वर्तमान विधायक जी के भी स्थिति रोबा देखता नहीं, घूमत होके हम तो देखत होके हम सोशल मीडिया यूज करते हम तब लौकत हुई, तो क्या जनता मानो कि वह करम जो पिछला करते रहने आज तक जो कैले बा। जनता के हमरा ऊपर विश्वास बा, और जनता हमरा के एगो शीशा खानी, साफ शीशा खानी लोग हमरा के जानता देखता, एक बारे में हमरा एक शब्द बोलने के जरूरत नहीं है, लोग के मालूम बा हमार चरित्र, हमार विचार, हमार काम सारा लोग के मालूम बा, एमे कोनो प्रमाण देला के, कोनो सर्टिफिकेट देखौला के हमरा जरूरत नहीं है। इस अभी मुँह से का कही, अब समय आई तो बताए जो का करता नहीं हम। सही बात बा, मुँह से का कहें, समय आई तो बताए। जौन मुख्य बात बा कि रोबा भाजपा कैले बनी, तो भाजपा लोजपा सही बा, सच्चाई भी बा, भाजपा बहुत काम करती है। एगो वैश्विक महामारी आ रही देश में, कोरोना, कोरोना महामारी में WHO सबका के मास्क लगाए कल से ये, जब तक कि हमरों के रहुआ के घबराए मत, हम देखी लो पहले से कि चुनाव बा, तो WHO कल से मास्क लगाए के, तो दुर्गा जी के पूजा ना हुई बिहार सरकार कल से, पंडाल ना बनी, प्रसादी ना बटाई, लेकिन चुनाव होई, नेता हेलीकॉप्टर से उतरी आ बड़का बड़का जन सलाब जुटावल जाइए, ए में कहाँ तक राउट सपोर्ट बा। बिहार सरकार के निर्णय टोटली गलत बा, 100% बिहार सरकार के निर्णय गलत बा। असल में हो का गई बा
कि नीतीश कुमार जी के सर पर अहंकार सवार हो गई बा। नीतीश जी के अभी अपना सामने कुछ लौकत नहीं है दुनिया में। नीतीश जी समझता रहे कि हमारा रावण से भी हम ऊपर हो गई बानी, तो उनकर अब दुर्गा पूजा के बाद जल्दी उनकर अंत हो जाए वाला बा। तो मैंने पूजा होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? बिल्कुल पूजा होके के चाहिए। अगर चुनाव हो सकता, रैली हो सकता, तो चुनाव पूजा भी हो सकता। तब कहें कुर्सी कुमार जी FIR कराओ तनी पूजा समितियन पर, गलत कराओ तनी। ऐसे न कुर्सी कुमार के हमनी के हटावे के बात करता नहीं सुन। तो साथ में तो रहो बीजेपी भी है ना, लोजपा बीजेपी सब तो साथ भी है। लोजपा ये जानू नहीं खे कोनो काम टाइम पर न होला। टाइम पर केहू के हटावल जाला, टाइम पर केहू के बैठावल जाला, तो हटावे के टाइम तो आवे दी। अच्छा देखी ना जे का होता। मैच बॉक्स के माध्यम से रहो अपने विधानसभा के लोग के क्या मैसेज दे? विधानसभा के लोग के मैसेज दे कि रउआ सबके सहयोग से हम बिहार में भी बदलाव करें और महाराजगंज में भी बदलाव करें। मैच बॉक्स के टीम से मिलकर वह कैसन लागल? बहुत बढ़िया लागल। भोजपुरी में रउआ इंटरव्यू लेता नहीं, अपना भाषा के प्राथमिकता देता नहीं, भाषा के बढ़ावता नहीं, बहुत अच्छा काम बा। तो बतकुचन रउआ सुनत रही हम महाराजगंज विधानसभा से साथे रही हम डॉक्टर देवरंजन सिंह जी। बतकुचन कैसन लागल कमेंट करके जरूर बताई। अगर अभी तक रहुआ मैच बॉक्स सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब कर ली। एक खबर के इतना फैलाई कि पूरा महाराजगंज विधानसभा में होको। मैच बॉक्स के अगला न्यूज़ देखे खातिर बन रही मैच बॉक्स के साथ है। नमस्कार।